एम्पलीफायर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हॉर्न बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। और इसमें BMS लगाना भी सिखाऊंगा 20 एम्पियर का, ठीक है। और ये सामान इसमें प्रोजेक्ट में जो सामान लगेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रम्पेट हॉर्न है दोस्तों। ये 18 आवाज़ होती है इसके अंदर। और इसका ये कंट्रोलर है, इसमें जो कंट्रोलर है इसका देखिए, इसमें पांच वायर्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आप, ये रेड और ब्लैक वाली वायर है। ये रेड ब्लैक वाली वायर जो है आपका, ये 12 वोल्ट बैटरी में जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला वायर है ये सिग्नल का वायर है। ये आपका जो ये हॉर्न होगा, एक वायर ग्राउंड में लगेगा और एक वायर ग्रीन अपना सिग्नल वाले में लगेगा, ठीक है। तो आपका ये हॉर्न चेंज होगा इससे। और बाकी जो आपका ये रेड और ग्रीन वाला वायर है, ये आपका लो में लगेगा। और ये रेड और येलो वाला वायर आपका लो में लगेगा। यहाँ पे आपका देख रहे हैं लो स्पीकर लिखा हुआ है और ये हाई। तो इस प्रकार के इसके कनेक्शन होंगे। और ये जो है, मैं अपना बैटरी जो है, मैं बैटरी की जो वायरिंग करता हूँ, और मैं धीरे धीरे आपको सभी को बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3.7 वोल्ट की जो बैटरीज है यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम टोटल 6 बैटरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे जो कट बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये प्लस का निशान होता है। यहाँ पे जो कट बना हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा भी हुआ है, ये माइनस का निशान है, यहाँ पे जो सिंपल बना होता है। तो हमें सिंपली इसको सीरीज में लगाना है। तो सीरीज में इसमें जो प्लस वाला हिस्सा है इसका, इसके माइनस वाले हिस्से में दूसरी बैटरी का प्लस वाला हिस्सा लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सीरीज में कनेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बैटरी का प्लस वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से माइनस, इसका प्लस, इसके माइनस में जो है इसका प्लस, इसका इसके प्लस वाले हिस्से में जो है इसका माइनस वाला लगाएंगे। तो इधर से कुछ इस टाइप से ये बन जाएगा, ठीक है। इसे आपको टेप लगा देना है। तो दोस्तों इस पर हम टेप मार देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस लगा लेना पहले। यहाँ पे तो दोस्तों अब जो है हम इसे शॉर्टिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस का मैंने निशान बना रखा है, माइनस यहाँ पे 4.2 वोल्ट यहाँ पे निकलेगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, फिर यहाँ से शॉर्टिंग होगी इधर, तो 8.4 वोल्ट निकलेगा। इधर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो, ठीक है। और इसको कुछ इस टाइप से कनेक्ट करना है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब जो है, अब इसके इस तरफ हम देखेंगे इसको उल्टा, अब इधर करेंगे तो इधर का जो है, इधर हम शॉर्टिंग करेंगे 8.4 वोल्ट, इधर हम शॉर्ट कर देंगे, फिर इधर 12 वोल्ट निकलेगा अपना, ठीक है। अभी इधर 8 वोल्ट निकल रहा होगा, इधर हमने शॉर्ट कर दिया तो, ठीक है। तो इधर भी हम इसी प्रकार से शॉर्टिंग कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों बाहर की साउंड को इग्नोर करना, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए अपना 12 वोल्ट का बैटरी बनके रेडी हो चुका है। मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे वोल्टेज को। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज इसका अपना आता है,
7 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास। तो दोस्तों पहले बैटरी का ग्राउंड वाला वायर लगा लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ग्राउंड हमने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पर है अपना, तो माइनस माइनस पे लगा देंगे हम। अब 4.2 वोल्ट यहाँ पे हमने लिख रखा है, यहाँ पे निकलेगा अपना, तो 4.2 वोल्ट अपना ये यहाँ से लगा देंगे, 4.2 वोल्ट पर, 4.2 वोल्ट। फोर पॉइंट टू वोल्ट यहाँ पे भी कनेक्शन हो गए इसके दोस्तों, देखिए। अब 8 वोल्ट पे हम लगाएंगे, 8 वोल्ट पे, तो दोस्तों 8 वोल्ट पे हमने लगाया है यहाँ पर, देखिए ये वाला वायर। तो 8 वोल्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये हमने सीरीज में कनेक्शन कर रखे हैं, 8 वोल्ट यहाँ पे निकल के आएगा अपना। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट की वायर लग गई, सीधा हम लगाएंगे 12 वोल्ट की वायर। यहाँ पे कनेक्शन ये देखिए आप सीरीज में हो रखे पहले से, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से निकल के सीधा अपना आएगा यहाँ पे 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट के कनेक्शन जो है हमने यहाँ ये यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है। दोस्तों ये अपना 12। तो दोस्तों अब हम इसमें यहाँ पे अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला वायर जो है यहाँ पे हम इसका यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, प्लस वाले पे हम प्लस लगा देंगे और माइनस पे माइनस लगा देंगे हम। तो दोस्तों ये देखिए ये अपने दो वायर्स अपना 12 वोल्ट का बैटरी बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप अभी 7.9 वोल्ट के तकरीबन आ रहा है, और ये जो है अपना बैटरी तकरीबन अभी चार्ज करने के बाद पूरा 12 वोल्ट देगा। और अभी कंट्रोलर की वायरिंग मैं समझा देता हूँ, कंट्रोलर की वायरिंग कैसे होगी, ठीक है। मैं अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों ये ग्राउंड वाला वायर जो है अपने को सीधा बैटरी में लगाना है, ये इसका कंट्रोलर का वायर जो है, कंट्रोलर का ब्लैक वाला वायर ये बैटरी के ग्राउंड में लगेगा, ये ग्राउंड में लगा दिया हमने। और ये बैटरी का प्लस वाला वायर, ये बैटरी का प्लस जो है यहाँ पे ये हॉर्न के साथ गए हुए हैं दोनों वायर्स एक एक, तो हमने इसमें इस पे लगा देना है प्लस वाला वायर प्लस पे। अब ये देखिए यहाँ पे जो ग्रीन वाली वायर है, ये तो ग्रीन वाली वायर है दोस्तों, ये अपना लो पे लगेगा, ठीक है। और ये हाई पे लगेगा अपना येलो और रेड वाला वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने इसके कनेक्शन कर लेने। और यहाँ से आप जो है इसका ग्राउंड अगर आप इसमें लगाएंगे तो देखिए ये ब्लू वाला वायर जो है अपना सिग्नल का वायर है, इसको आप अगर इसमें लगाएंगे तो अपने ये दोनों हॉर्न वर्क करेंगे, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके बाद ठीक से लगा लेंगे। अब देखिए चेक कराता हूँ मैं, तो
बैटरी चार्ज होगा तो और तेज आवाज आएगा दोस्तों, ठीक है। एक बैटरी फुल चार्ज हुई है तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये फुल चार्ज होगा तब आपने इस बटन का वायर कुछ नहीं करना है, इसका दो वायर निकलेंगे इसके, सिर्फ एक ग्राउंड में लगाना है यहाँ पे और एक ब्लू वाला वायर लगा देना, बस ये आपका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चलना चालू हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है मेरे भाई। इसमें आपको 18 वाट मिल जाती है, ठीक है। तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, कुछ मिला हो सीखने के लिए तो। मैं आपको इसकी पूरी वीडियो बना के डालूंगा, इसको शॉर्ट आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे जो है ब्लू वाला और ब्लैक वाला वायर जो है ये अपना सिग्नल के वायर से, दोनों इनको मैं इनके में अंदर मैं वायर जोड़ रहा हूँ, ये ब्लैक और रेड वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने शोल्डरिंग कर दिया है और ये वायर जो है ये यहीं से जो है हम इसका बैटरी का जो ग्राउंड है उसको भी यहीं से शॉर्ट कर यहीं पर जोड़ेंगे अभी, ठीक है। पहले इसको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसमें हम चार्जिंग जैक भी तो लगाएंगे, ये देखिए चार्जिंग जैक है, ये जैक हम इसके अंदर लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये चार्जिंग जैक का जो माइनस वाला हिस्सा है वो अपने बैटरी वाले माइनस वाले हिस्से को, बैटरी का जो ग्राउंड होगा अपना माइनस वाला हिस्सा, इसका बैटरी के ग्राउंड में हम लगाएंगे, ठीक है। इसको हमने लगा दिया है यहाँ पर, और अब जो इसका प्लस वाला वायर है वो भी इसमें यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब प्लस वाला वायर भी लगा दिया है। अब जो है यहाँ पे जो कंट्रोलर का प्लस वाला वायर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अपना कंट्रोलर है दोस्तों, कंट्रोलर का प्लस वाला वायर ये अपना इसमें लगेगा सीधा बैटरी के प्लस वाले हिस्से में। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे हम दोस्तों शॉर्ट कर देंगे, देखिए हमने शॉर्टिंग कर दिया है, ठीक है। और ये जो बचा ग्राउंड वाला हिस्सा बैटरी का, ये कंट्रोलर के ग्राउंड में हम लगा देंगे। यहाँ पे जो हमने कंट्रोलर का ग्राउंड कंट्रोलर के लिए एक वायर दे रखी है, दो जो इस दो बटन में लगेंगे, इस दो बटन में लगेंगे दोस्तों ये। इसको हम अब पूरा हिस्सा जो है ग्राउंड को ग्राउंड में मिला देंगे, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे हम शोल्डरिंग कर देंगे अब इसी प्रकार से। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से शोल्डर कर दिया हमने यहाँ पे। तो देखिए अब ये जो दो वायर है, ये दो वायर जो है हम इस स्विच में लगाएंगे अब सीधा। तो दोस्तों अब ये कंट्रोलर की जो ब्लू वाली वायर है एक, उसको यहाँ पे लगा देंगे, और अपने ग्राउंड वाली वायर जो है बैटरी का उसको भी यहाँ पे हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से कनेक्शन हो गए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अब मैं बटन लगाता हूँ, ये देखिए। जितनी बार आपको, दो बार प्रेस, तीन बार इसको प्रेस करेंगे आप तो ये हॉर्न बदलेगा आपका, ये देखिए। तो कुछ इस टाइप से ये वर्क करता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इसको हम इसी के अंदर कुछ इस टाइप से डाल देंगे अभी। तो दोस्तों अभी मैंने अभी इसमें अडप्टर यहाँ पे चार्ज पे लगा दिया है, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट 3 एम्पियर का, इसको चार्ज करने के लिए। अब देखिए मैं बटन दबाता हूँ, अभी ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो उसके बाद ये बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है मेरे भाइयों। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये देखिए मैं निकाल के अभी चलाता हूँ, देखिए
चार्ज होने के बाद जो है कुछ इस टाइप से वर्क करेगा, ठीक है मेरे भाइयों। ओके, चैनल लाइक सब्सक्राइब करना, लाइक ठोक के जाना। ओके मेरे भाइयों।